बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ता 3 स्टार्ट किया हमने। ये यहाँ से पॉकेट्स की सिलाई होगी। ये गोल बाजू से पहले गोल बाजू हमने रेडी कर लिए, इसको उल्टा कर रख दिए। अभी पॉकेट्स वगैरह खर्चा उल्टाएंगे, उसके बाद आगे काम स्टार्ट करेंगे। ये इधर से पॉकेट को आप सिलाई लगाएंगे। पॉकेट को हमने उल्टा लिए, उसके बाद अभी ये पॉकेट को गोल करेंगे सिलाई के साथ। ये आप चाहें तो इस्त्री के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसमें टाइम की बचत होती है। ये अब रेडी हो चुकी है। ऐसे ही आप दूसरी पॉकेट भी हम रेडी कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सामान, मतलब इसके पट्टी बटन टेक वो चीज़ लगाएंगे, घेरे वगैरह निकाल के आपको दिखाते हैं। ये पट्टी है फ्रंट वाली, इसको भी ठोके से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कंकर की सिलाई जैसे कि आपको सबसे पहले हम बटन टेक लगाते हैं। आपको ट्यूटोरियल वगैरह हम कैसे सिलाई करते हैं। यह कुर्ता 3 जो है इसको जुड़ाई का तरीका क्या है, अभी इसमें हम आपको ये नहीं बता रहे भी ये कैसे आएगी, ये बैठेगी, वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और लंबी वीडियो हो जाती है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो है, वो पट्टी कैसे लगती है, बटन टेप कैसे लगती है, कॉलर कैसे लगता है या कफ कैसे लगता है, वो सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हुई हैं, आप देख सकते हैं। पट्टी को आप हाथ से लगाना शुरू करेंगे। जो आपकी बांह वाली लाइन होती है पट्टी, उसके सेंटर में आनी चाहिए। पट्टी का मिड और सेंटर वाली जो बांह वाली लाइन है, उसका मिड ये दोनों आपस में दरमियान में आने चाहिए। उसके बाद ये 1.5 इंच का ठोका बनता है नॉर्मल। ये यहाँ से आके आप इसको ठोके को नीचे से देखेंगे, भी पट्टी भी हमारी बटन टेक भी जाए, जब नीचे आए जब ठोके के अंदर पकड़ी जाए। अभी यहाँ पे आप इस सिलाई को पक्का कर लेंगे। इसको यहाँ घेरा लगा कर 2-3 ऊपर से काट लेंगे, या धागा मजबूत हो जाता है बाहर नहीं निकलता। ये फ्रंट की हमारी पट्टी बटन टेक लग के कंप्लीट लग चुकी है। ये कुर्ता 3 की बैक पहले जोड़ते हैं, क्योंकि तीरा सांझे होता है। अभी बैक हम फ्रंट के साथ जोड़ रहे हैं। और ये दबाव इतना देना होता है आधी, क्योंकि ये ओवरलॉक भी होता है। ओवरलॉक होकर ऊपर पक्की लैब की सिलाई लग जाती है। अब ये क्लियर है, ये क्लिप को हम पहले घेरा निकालेंगे, इसका साइड पॉकेट के लिए निकाल रहे हैं। ऐसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे। अभी एक कली की सिलाई ऊपर से स्टार्ट हुई है, नीचे ख़त्म होगी। अभी ये दूसरी नीचे से स्टार्ट होगी, ऊपर ख़त्म होगी।
अभी ये साइड चाक है, ये इधर से बंद होगा, ये आगे पॉकेट के लिए मुंह बना हुआ है, यहाँ से पक्का करेंगे और ये अगले पीस को यहाँ पे पक्का करके रख देंगे, यहाँ पे भी साथ, यहाँ से भी हम ये चिकोटी भी कहते हैं, ऐसे कली भी कहते हैं, कोई दर्जी क्या कहता है कोई क्या कहता है, वो लगाएंगे, इसको आप ऐसे रखेंगे, ये दोनों साइडों से बराबर होना चाहिए। अभी इसको यहाँ पे रोक लेंगे, ऊपर वाले पीस को ऊपर वाले के साथ इधर उठा लेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ सिलाई करेंगे, ये यहाँ से आप शुरू करेंगे, आधी इंच दबाव रखना है, ये आप ऐसे निकाल लेंगे, अभी जो ऊपर वाला पीस हमने छोड़ा था उसको ऐसे सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पे आप पक्का कर देंगे। अभी हमने दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं, ऊपर से कोटी लगा दी है, अभी इसके बाद इसकी ऊपर पक्की लाइफ की सिलाई लगेगी, एक का दबाव दाईं तरफ होगा, एक का दबाव बाईं तरफ मोड़ेंगे, जैसे कि ये हमने मोड़ा है, ये आप देखें ये एक दबाव दाईं तरफ है, अभी जो दूसरी वाली होगी उसका दबाव बाईं तरफ होगा, अपने वजनों को कली के साथ जोड़ेंगे सूट के ऊपर प्लीज का, यहाँ तक आप स्टार्ट करेंगे, शुरू से सिलाई लेके आएंगे यहाँ से, अभी ये कली का जो पीस जितना बाजू के अंदर आना है साथ जोड़ना है उसको पहले से जोड़ लेंगे, वैसे ही जैसे हमने कली के ऊपर त्रिकोण लगाया था, ये चुकोटी लगाई थी, ऐसे ही यहाँ पे रुक जाएगा, सिलाई पक्की करेंगे, ऊपर वाला पीस ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला पीस नीचे वाले सिलाई के साथ, आधी इंच पीस हो आधी इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर लाख हो तो पक्की लाभ हो जाती है, छोटी सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं इनको आप ओवर लाख कर लेते हैं पहले, अभी कली जोड़ के हम इसको फिर ओवर लाख करेंगे बाजू, जैसे कली के साथ हमने पहले चिकोटी जोड़ी थी उसी तरीके के साथ अब हम कली बाजू के साथ जोड़ लेंगे, अभी इसको हम ओवरलॉक कर लेते हैं। ये फ्रंट बैक हमने जोड़ा था, तीरे पर पैर की सिलाई लगाएंगे दोनों तीरों पर, अभी फ्रंट बैक को बाजू और कली के साथ जोड़ेंगे, लेकिन ये जो तीरे का टुका है सेंटर का और बाजू का टुका जो है इन दोनों को आपस में बराबर रखना और यहीं से सिलाई शुरू हो गई आपकी। ये टुका जो होता है इसके बाजू की तैयारी के होता है, ताकि जुड़ गया बाजू, बाजू से आर्मर को क्रॉस करके नीचे गिर गया, दबाव आपने सारी कमीज़ में आधा इंच के ही रखना है कुर्ते में, पहली सिलाई हमने बाजू के हाफ वाले टुके से शुरू की थी, अब दूसरी सिलाई हम नीचे से शुरू करेंगे, इसको पहले पकड़ के बराबर कर लेते हैं ताकि दोनों साइड बराबर बड़ी छोटी ना आए, हमारा दामन है, इसकी कलियां दोनों हमने जोड़ ली हैं, अब इसकी सिलाई इसी घेरे वाली साइड की तरफ जाएगी, मतलब ये ऐसा कि घेरा इस साइड पे, ये इधर ये सिलाई इधर जाएगी और दूसरी सिलाई के उसका घेरे की साइड वो है, अब ये ऐसे ही दूसरी साइड पे ऐसे बाहर जाएगी, यानी कि इधर बैठ के इसकी सिलाई फिर इसके ऊपर इधर पकी लाप की सिलाई लगेगी,
अभी अकेला सप्लाई लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लगेगी। एक गहरे से शुरू होएगी, तीरे के ऊपर से गुजरती हुई दूसरी साइड चलेगी। अभी यहाँ से स्टार्ट हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं हम तीरे पे पहुँच गए। ये तीरे के साथ से हम सिलाई लगाते हुए इसी तरह ही हम पीछे निकल जाएंगे बैक साइड की तरफ। दबाव हमने उसी एक ही साइड पर टर्न करना है, जिस साइड पे हमारा घेरा होगा उसी साइड पे दबाव टारना होगा। उसके ऊपर पक्की लाप की सिलाई लग जाएगी, कंकर की सिलाई लगेगी हमारी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सारी सिलाई कुर्ते में जितनी भी लगती है कंकर की सिलाई लगती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, जितनी भी सिलाई लगती है ये सारी कंकर की सिलाई है। एक को हमने फ्रंट से शुरू किया, एक सिलाई को बैक पे ख़त्म कर दिया। अब दूसरी सिलाई हम बैक से शुरू करेंगे और फ्रंट पे ख़त्म करेंगे। अब पहली सिलाई को हमने उस तरफ मोड़ा था, अब इसका घेरा इस तरफ है, इसके दबाव को हम इस तरफ मोड़ेंगे। ऐसे ही मोड़ के कंकर की सिलाई लगेगी। अभी हम फ्रंट पे और बैक के घेरे निकाल लेंगे। नीचे से कली वगैरह हमने जोड़ ली है, इसके ऊपर हमने पक्की लैप की सिलाई भी लगा दी है। कुर्ते पे जहाँ पे पक्की लैप की सिलाई लगती है सारी जगह हम लाप लेते हैं। ये एक घेरा हमारा कंप्लीट हो गया, इसी तरह अब दूसरा घेरा भी हम कंप्लीट कर लेंगे, पक्की कार की सिलाई बाहर निकाल लें। यहाँ से अब हम शुरू करेंगे, इन दोनों सिलाइयों को आमने सामने पकड़ लेंगे। इनको जोड़ना नहीं है आपस में, मतलब इतनी स्पेस रखनी है, नए बंदे के लिए आसानी होती है पॉकेट में। अब पॉकेट का जो सेंटर वाला टुकड़ा है वो सिलाई के साथ बराबर करेंगे। इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नीचे वाली साइड है, घेरे वाली साइड। यहाँ से आके थैली को नीचे कर लेंगे, पैर को उठा के ऊपर वाली जो गुलाई है इसको सेंटर वाले टुकड़े के साथ इधर बराबर करेंगे। हम इस नोक को सेंटर वाली सिलाई के साथ हम बराबर करेंगे ताकि हमारी पॉकेट बिल्कुल दरमियान में लगे। सेम इसी तरीके से इसको पक्का करके यहाँ से निकाल लेंगे, इसी तरह दूसरी पॉकेट लगा लेंगे। उसके बाद में आपको मगजी लगा के दिखाते हैं हमारा कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी बिल्कुल आमने सामने आ गई है हमारी पॉकेट तैयार होगी। ये हमारी कली है, ऐसे कंकर की सिलाई लगी हुई है। ये ऐसे ही आप दूसरी पॉकेट लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम आपको मगजी लगा के दिखाते हैं। अब ये मगजी के लिए हमने 18.5 इंच हमारा राउंड तैयार था, 21.5 इंच हमने पीस उतारा है। 0.25 इंच यहाँ से फालतू होगा और 0.25 इंच ये दूसरी साइड यहाँ से फालतू होगा, क्योंकि ये ऐसे हो के अंदर हो के ऐसे उलट के ऐसे सिलाई लगेगी इसके ऊपर। यहाँ से अब हम ये 0.25 इंच का पीस ये जो आपको बताया था वो छोड़ रहे हैं। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे पट्टी वाली साइड से। अभी इसको आप देखें, बट 1.5 सीटर तकरीबन आप सिलाई में लगाएंगे। मोजी रेप पीस की लगती है और नरम हाथ पे लगती है, बिल्कुल उसको बिल्कुल खींचना नहीं पड़ता, बिल्कुल आराम आराम से नरम हाथ पे दोनों पीस एक दूसरे के साथ आप जोड़ते जाएंगे।
फिर आपकी मगजी में वाट नहीं आएगी। अब ये ऐसे ही हमने पौनी जागे पीस छोड़ने, ऐसे ही हम सिलाई बटन टेक वाली साइड से बाहर निकाले, पट्टी से हमने स्टार्ट किया तो बटन टेक वाली साइड से इसको कंप्लीट करके बाहर निकाल लिया। अभी ये पौनी इंच वाले पीस को हमने ऐसे अंदर कर लिया। अभी इसको ये आपको कारीगर मोड़ के दिखाता है, ये ऐसे आप इसको यहाँ से पकड़ के सिलाई पक्की कर लेंगे शुरू वाले दो तीन स्टिचेस। उसके बाद आप इसको ऐसे पीस अंदर करके बिल्कुल नरम हाथ पे लगाते जाएंगे। कंकर की सिलाई लगेगी इसकी भी उल्टी साइड से, ये लग रही है सारी जैसे कि आपको नज़र आ रही है। ये यहाँ पे ऐसे आके वैसे ही जैसे पीस हमने पहले अंदर किया था उसी को अंदर करके यहाँ से पट्टी वाली स्लाइड से हम सिलाई बाहर निकालेंगे। हमारी मगजी लग के रेडी है, अभी हम आप इसको बिछा के दिखाते हैं। ये देखें आप, ये कुर्ता तैयार हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हमारा कुर्ता रेडी है।